स्प्रिंग रोल बनाने के लिए कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा तो यहाँ पे मैंने लिए है 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक काट लिया है, इसको डाल के स्लो गैस पे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। आज के स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको पतला लंबा काट लिया है, इसको भी हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने लिया है पत्ता गोभी, 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। सबसे पहले पत्ता गोभी को डाल के 1 मिनट तक भून लेंगे। सब्जियों में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए, आपके पास मौसम के हिसाब से जो सब्जियां हैं वो ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है तो मैं केवल 2 सब्जियों का यूज़ करके इसे बनाने वाली हूँ। जैसे पत्ता गोभी थोड़ी सॉफ्ट हुई तो हम यहाँ पर डाल देते हैं शिमला मिर्च। घर पे रखी हुई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करके भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी सब्जियां हो तभी आप इसे बना सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हुई तो हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे चिल्ली सॉस, साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच यहाँ पर टमाटो सॉस। यहाँ पे इसमें सोया सॉस का भी यूज़ किया जाता है, अगर आपके पास है तो इसमें डाल लें, मेरे पास अभी नहीं है तो 1 चम्मच डाल देंगे वाइट विनेगर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम 1/2 मिनट तक भून लेते हैं। इसी तरीके से चलाएंगे और गैस को स्लो कर देंगे। जैसे हमारी स्टफिंग रेडी होगी तो यहाँ लास्ट में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच फ्रेश क्रश की हुई काली मिर्च। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, गैस को ऑफ करके इसे पूरे तरीके से ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम थिक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इस तरीके की हमें शीट चाहिए होगी, ये मैंने घर पे बना के तैयार किया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 शीट और इसको हम फिल कर देते हैं जो हमने यहाँ पर स्टफिंग बना के रखी है। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसकी साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने बैटर बना के रखा हुआ है, इस तरीके का घोल बना के रखा है मैदे का, इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सील हो जाए, जब इसे हम ऑयल में डालें तो ये खुले नहीं। चाहे तो आप इसे हाथ से लगा लें, चाहे तो आप इसे स्पून से भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से इस तरीके से मैदा लगा के देखिए, हमारा ये स्प्रिंग रोल 1 बन के तैयार हो गया है। अच्छे से फोल्ड कर देना है आपको और दूसरा भी मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके की शीट बना के अगर आप घर में रखते हैं तो जब मन हो तब आप फटाफट से चाहे समोसे बना सकते हैं, चाहे आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फिल कर लिए हैं। तो गैस को ऑन करके मैंने 1 पैन में तेल रखा है, तेल हमें यहाँ पे मीडियम हॉट चाहिए। तो स्प्रिंग ऑन डाल देते हैं और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे इसकी एक साइड हो जाएगी हम इसे पलट देंगे। हाई फ्लेम पे आपको इसको नहीं सेकना है, अगर आप चाहते हैं कि स्प्रिंग रोल क्रिस्पी बने तो आपको मीडियम हॉट ऑयल लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे की पलट पलट के अच्छे से सेक लेते हैं जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से सीक चुके हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के बचे हुए भी इसी तरीके से सेक लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी हमारे ये स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुए हैं। तो इसे बनाने के बाद मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। चाहे तो आप तीखी चटनी के साथ या केचप के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे कभी भी घर पे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अब रमज़ान आ रहे हैं तो आप शाम को इफ्तार के टाइम बनाएं, या कभी भी बच्चे मांगे तो आप इसे बनाकर घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।